सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बड़े होंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू अवर धमाकेदार वीडियो ऑफ GTA 5। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। तो गाइस ये देखो मेरे सामने, ये मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की फेमस SUVs और कुछ इंडियन SUVs भी हैं, और ये है रोल्स रॉयस लेमोजिन। गाइज ये मतलब लॉस सैंटोस की सबसे महंगी गाड़ी है। और गाइज हम अभी हैं लॉस सैंटोस के सबसे बड़े रैंप पे, और गाइज हम कराएंगे अपनी इन सारी SUVs का स्पेस जंप, और देखते हैं गाइज कौन सी SUV सबसे ज़्यादा दूर जाती है। तो गाइज टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हमारी सारी SUVs जो है वो फुल्ली आर्मर्ड है, तो हमारी मतलब SUV को कोई दिक्कत ही नहीं होगी, चाहे कितनी ऊपर से भी गिरे इसको एक छोटा सा डेंट भी नहीं आएगा। तो गाइज ये देखो हमारे पास हमारी मॉडिफाइड थार भी है और ब्लैक लेजेंडर, और उस साइड में हमारी डिफेंडर और जी वैगन। तो गाइज एक बार ये देखो, आपको मैं मतलब ड्रोन व्यू दिखा देता हूँ इस रैंप का। गाइज ये देखो मतलब कितना भाई, कितनी हाइट है इसकी। गाइज एक बार देखो, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई साहब। और गाइज वो रहा सामने लॉस सैंटोस शहर, और गाइज इस पे से जंप होगा, फिर देखा जाएगा कि हमारी कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा दूर जाती है। और गाइज एक बार ये देखो भाई, यहाँ से आपको समझ में आएगी इसकी लंबाई। गाइज मतलब हम लोग मतलब लॉस सैंटोस के सबसे ऊँची जगह पर हैं गाइज। तो गाइज अब हम मतलब लेट नहीं करते और शुरू करते हैं अपना जंप टेस्ट। और गाइज लेके चलते सबसे पहले अपनी स्कॉर्पियो N को। तो गाइज मैं इसका पेयर में बैठ के फिर इसको मतलब रैंप पे सेट करके जंप कराता हूँ, और देखते हैं गाइज ये कितनी दूर जाती है और इसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी रहती है। तो गाइज अब मैं अपनी स्कॉर्पियो N में बैठ चुका हूँ, और मतलब इसको मैं अब लेके जाके रैंप पे सेट करूँगा। तो गाइज ये देखो मतलब मैंने इसको आराम से रैंप पे उतार लिया, और गाइज ये देखो भाई इसने स्पीड पकड़ ली, इसने 150 170, गाइज भाई साहब 200 पर। सो गाइज इसकी हाई स्पीड मतलब 230 240 की आसपास ही गई थी। अरे भाई साहब ये तो क्षति भी चली गई। और गाइज ये देखो मतलब आर्मर्ड हमारा कितना अच्छा वर्क कर रहा है। गाइज ये इतनी ऊपर से गिरी भाई, इसकी मतलब हल्की सी भी डेंट नहीं आई होगी। चलो गाइज मैं इसको मतलब नीचे उतार लेता हूँ भाई साहब बस। ओ यार मतलब, लेकिन गाइस हमको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी सारी कार्स फुली आर्मर्ड हैं। तो गाइस एक बार देखो भाई, हमारी स्कॉर्पियो को थोड़ा सा डेंट तक नहीं आया। तो गाइस मैं इसको यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, और एक बार मतलब इसको भाई साहब, भाई आर्मर्ड भाई कितने काम की चीज़ है भाई साहब। देखो इतनी ऊपर से गिरी और अभी तक इसको एक डेंट भी नहीं आया। तो गाइस चलते हैं हमारी दूसरी कार के पास। तो गाइस अब बारी है हमारी मॉडिफाइड थार की। भाई एक बार इसकी लुक देखो भाई साहब, इसके रिम्स देखो भाई, अलॉय देखो गाइस इसकी क्या मस्त लग रही है भाई साहब। ये इसकी मतलब जेट ब्लैक शीशे भाई, हेडलाइट्स देखो गाइस, मतलब मैं तो इसका फ़ैन हो गया हूँ गाइस। चलो इसको भी जंप करा ही देते हैं गाइस, और देखते हैं ये कितनी दूर जाती है। और गाइस इसने मतलब 100 की स्पीड तो पार ही कर दी, 150 180 चली गई गाइस, और 220 और 240 गाइस ये भी गई थी भाई साहब। मतलब इसकी जंप भाई, ये तो स्कॉर्पियो N से भी आगे गई भाई। मतलब इसने तो स्कॉर्पियो N का भी रिकॉर्ड तोड़ ही दिया गाइस। और अभी तो हमारी मतलब दूसरी नंबर वाली कार है, अभी तो हमारे पास और तगड़ी तगड़ी कार्स मतलब SUVs हैं, उसको भी जंप कराते हैं गाइस। और भाई मतलब थार का लुक देखो भाई, मैं तो इसका फ़ैन हूँ भाई, मतलब थार तो लेनी है गाइस। और ये बार चलो मतलब इसको भी पार्क करके और चलते हैं मतलब अपनी दूसरी कार के पास, और देखते हैं मतलब कौन सा ले चले हम लोग जंप कराने के लिए। और भाई आर्मर तो फुल वर्क कर रहा है गाइस। तो गाइस अब बारी हमारी जी क्लास GT मतलब G63 जी वैगन की। तो गाइस मतलब ये रेड कलर में कितनी तगड़ी लगेगी, और ब्लैक होती तो और मस्त लगती। तो गाइस इसको भी हमने जंप करा ही दिया, और भाई ये 100 की स्पीड पार कर दी भाई, 180 200 पार हो गया भाई। भाई ये 250 गई थी भाई, ये मतलब ये 250 का स्पीड भी पार कर दी थी। और भाई इसने तो थार का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब भाई एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं, और मतलब और ज़्यादा दूर तक जंप होती जा रही है। और गाइस मतलब क्या गाइस, मैं इसका इस मतलब जी वैगन का कलर ब्लैक करा दूँ तगड़ी लगेगी। तो गाइस जल्दी से कमेंट में बताओ, मैं इसका कलर सोच रहा हूँ कि अब ब्लैक करा दिया जाए। तो गाइस चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार के पास और देखते हैं वो कौन सी है। तो गाइस अब बारी है हमारे टोयोटा लेजेंडर की। तो गाइस ये ब्लैक कलर में कितनी मस्त लग रही है गाइस। तो चलो इसको जंप कराते हैं और देखते हैं ये कितनी दूर जाती है। तो गाइस इसने भी 100 का स्पीड पार ही कर दिया, 150 इसका हो गया, मतलब 200 पार हो गया। तो गाइस ये भी 230 के आसपास गई थी। और भाई भाई इसने शायद स्कॉर्पियो N का रिकॉर्ड तोड़ दिया, बट भाई इतनी पीछे क्यों रह गई? तो हो सकता है गाइस इसका वेट ज़्यादा हो, इसी वजह से मतलब ये ज़्यादा दूर तक नहीं गई होगी। तो गाइस एक बार देखो मतलब ये आर्मर हमारे कितने काम आ रहा है भाई साहब, एक छोटा सा डेंट भी नहीं आ रहा। तो गाइस इसको भी पार्क करके चलते हैं हमारी नेक्स्ट कार के पास। तो गाइस अब हमारे पास सिर्फ दो कार्स हैं, एक है हमारी मतलब लॉस सैंटोस की सबसे महंगी कार, और एक है गैंगस्टर वाली कार मतलब SUV
डिफेंडर। तो गाइस डिफेंडर को ही लेके चलते हैं और इसको जंप कराते हैं भाई एक बार इस, मतलब ये भी, ये भाई टॉप क्लास है एसयूवी है गाइस। भाई एक बार देखो इसकी लुक, देखो कितनी अग्रेसिव लुक है भाई डिफेंडर की, और भाई ब्लैक कलर में तो और तगड़ी लग रही है। तो गाइस चलते हैं इसको भी जंप कराते हैं और देखते हैं ये कितनी दूर जाती है और इसका हाई स्पीड कितना जाती है। तो गाइस डिफेंडर का इंटीरियर देखो भाई तगड़ा है। तो गाइस चल, तो चलो अब मतलब इसको जंप कराते हैं और देखते हैं कितना दूर जाता है। तो गाइस इसको मैंने रैंप पे उतार लिया और देखो भाई इसने स्पीड भी मतलब 200 की पारी कर दी भाई, 250 भाई 260 शायद ये गई थी गाइस। तो गाइस भाई साहब इतनी स्पीड तो पकड़ी थी मगर ये तो भाई सबसे पीछे गई भाई, ये तो मतलब यार स्कॉर्पियन से भी पीछे चली गई। तो गाइस इसको भी पार्क करते हैं, मतलब आई थिंक गाइस जिन एसयूवीज का वेट ज़्यादा है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही हैं। और गाइस ये जल्दी से सामने सटे तो हम इसको पार्क करके चलते हैं। और गाइस ये देखो हमारी सारी कार मतलब लाइन से पार्क है, कितनी तगड़ी लग रही है गाइस। ये हमारी लेजेंडर इधर ब्लैक और उधर जी वैगन, और ये रही हमारी महिंद्रा थार और इसका पेन। तो चलते हैं गाइस अब हम मतलब लॉस सैंटोस, क्या पूरी दुनिया की सबसे महंगी कार के पास। और गाइस उसकी मतलब लेमोजिन भाई कितनी लंबी कार है भाई, उसको तो मतलब रैंप पे उतारने में भी दिक्कत होगी। तो गाइस ये है लॉस सैंटोस का सबसे महंगा कार और अब हम इसको जंप कराएंगे। गाइस भाई ये कितनी लंबी कार है भाई, इसमें तो मतलब भाई 20-20 लोग तो बैठ ही जाएंगे इसमें। तो गाइस इसको ले चलते हैं रैंप पे और इसको भी जंप कराते हैं और देखते हैं भाई ये कितनी दूर जाती है। तो गाइस एक बार मतलब मुझको तो भाई इससे उम्मीद कम ही है कि ये किसी का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि गाइस जब डिफेंडर इतने पीछे गई तो ये भी पीछे ही जाएगी। तो गाइस एक बार लेकिन आप लोग इसकी लुक देखो भाई कितनी मस्त है भाई, एकदम लग्जरी कार है भाई, मैं तो इसका भी फ़ैन हो गया गाइस। तो गाइस इसको आराम से हम लोग मतलब यहाँ पे लगा देते हैं और उसके बाद इसको जंप कराएंगे। और भाई ये कितनी लंबी है भाई, इसको लगाने में दिक्कत हो रही है। तो गाइस एक बार मैंने इसको मतलब रैंप पे उतार दिया और भाई देखो ये मतलब ये स्लो भी है गाइस, और अभी को इसने जाके 150 का स्पीड मतलब टच किया। और देखो भाई ये 200 भी टच कर दिए, 220 गाइस इसकी हाई स्पीड आई थिंक 220 है। और भाई इसने जंप भी लगा दी। और गाइस देखो भाई ये तो मतलब डिफेंडर के ही मतलब डिफेंडर के पास ही ये भी गई गाइस। तो गाइस एक बार देखो भाई, भाई इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब इसके पास कार गिरी और ये अभी को भाई इसका कितना लेट रिएक्शन दे रहा है। तो गाइस देखो हमारी सारी गाड़ी गाँव का जंप टेस्ट हो ही गया और सबसे दूर आई थिंक हमारी जी वैगन गई थी। और गाइस अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से मतलब 200 लाइक करा दो, मतलब हम लोग 200 लाइक का एम रखते हैं गाइस। अगर 200 लाइक हो गया तो हम लोग इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे जिसमें ओनली इंडियन कार होगी, जैसे स्विफ्ट विफ्ट होती है वो, उन सभी कार का गाइस जंप टेस्ट कराएंगे। और गाइस अब मैं सोच रहा हूँ कि एक बिना आर्मर वाला टेस्ट हो जाए। तो गाइस जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में बताओ कि हमें बिना आर्मर वाला टेस्ट करना चाहिए। तो गाइस ये देखो भाई साहब लेकिन कितनी भाई हम लोग की कार की पार्क हुई, कितनी अच्छी लग रही है। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस लाइक एम जल्दी से क्रॉस करो यार, ताकि हम लोग न्यू वीडियो लाएँ। और ये अपनी भाई डिफेंडर क्या मस्त लग रही है गाइस। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।